कुरुत के बड़े नाले में एक गोवंश के गिर जाने की खबर मां गोमती गौ सेवा समिति के सदस्यों को लगी और उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात विभाग की मदद से उसे नाले में बुरी तरह फंसे हुए गोवंशों को बाहर निकाला गया। आज पूरे भिलाई शहर में गोवंश सड़कों पर आवारा घूमते देखे जा सकते हैं। ऐसे में छोटे बड़े नालों में इनके गिरने की खबरें भी आती रहती हैं। ऐसा ही हादसा शुक्रवार को कुरुत के एक बड़े नाले में हो गया, जिसमें गोवंश गिरकर नाले के कीचड़ में बुरी तरह फंस चुका था। इसकी खबर मां गोमती गौ सेवा समिति के सदस्यों को लगी, तभी समिति के अध्यक्ष संजय साहू अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर उपस्थित हुए। गोवंश को निकालना काफी मुश्किल भरा काम था। तब उन्होंने यातायात विभाग के आरक्षक विजय शर्मा से संपर्क किया और आरक्षक विजय शर्मा ने तत्काल अपने उच्चाधिकारियों से संपर्क कर क्रेन की व्यवस्था करवाई और बड़ी मशक्कत के बाद गोवंश को उस नाले से बाहर निकाला जा सका। मां गोमती गौ सेवा समिति के अध्यक्ष संजय साहू ने दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग का हृदय से आभार जताया है और कहा है कि वक्त वक्त पर हमें लगातार यातायात विभाग और उनके जवानों का सहयोग प्राप्त होता है, जिससे हम गोवंश की सेवा कर पा रहे हैं। नगर निगम भिलाई प्रशासन भी पुरजोर प्रयास कर रहा है कि यातायात को बाधित करने वाले आवारा पशुओं को सड़कों से हटाकर गौठान में रखा जाए, परंतु यह प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है, जिसकी वजह से गोवंश हादसे का शिकार हो रहे हैं। जरूरी होगा कि इन आवारा गोवंशों के लिए कोई रणनीति बनाई जाए, जिससे यातायात को बाधित करने वाले इन गोवंशों को सड़कों से हटाया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।